अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ कंकड़खेड़ा में बच्चे को पढ़ाई के लिए पीटना महिला के लिए भारी पड़ गया। बच्चे की पिटाई पर पति ने नाराजगी जताई तो महिला ने पति को थप्पड़ मार दिया। इससे गुस्साए पति ने महिला के पहले सिर फिर चेहरे पर हथौड़े से प्रहार किया, चाकू से गला काट डाला। इतना सब करने के बाद पति खुद ही थाने पहुंच गया और इस हत्याकांड की जानकारी दी। सूचना पाकर कंकड़खेड़ा थाने में हड़कंप मच गया। मौके पर जाकर पुलिस ने देखा तो चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। महिला के सिर के साथ मुंह से खून आ रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस छानबीन में सामने आया है कि हत्याकांड के पीछे कोरोना काल के कारण उत्पन्न आर्थिक तंगी का अवसाद भी था। मारी गई महिला का नाम प्रतिमा था। वह सरधना नानू गांव के प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। करीब 13 साल पहले देवेंद्र सिंह ने कंकड़खेड़ा श्रद्धापुरी निवासी ओम प्रकाश की पुत्री प्रतिमा से लव मैरिज की थी। बताया यह भी जा रहा है कि बीती रात भी दोनों में शराब को लेकर झगड़ा हुआ था। देवेंद्र सिंह ने प्रतिमा से 200 रुपए मांग रहा था, इसी को लेकर उसमें झगड़ा हुआ था। घटना के प्रत्यक्षदर्शी महिला के 10 वर्षीय बेटे ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। आज मम्मी सुबह में थोड़ा सा गेम देख रहा था मोबाइल में, तो मम्मी ने कहा था बेटा थोड़ी पढ़ाई कर लो। ओके, मैंने कहा मम्मी कर रहा हूँ। मैंने अपनी कॉपी उठाई, मैं पढ़ने लगा। मम्मी ने देखा क्या कर रहे हो, मैंने कहा मम्मी चैप्टर 1 कर लो। मम्मी ने देखा कि उसमें थोड़ा सा काम कम था, मम्मी ने थोड़ा सा डांटा और फिर थोड़ा सा पीटा भी। फिर पापा आए, उठ गए, पापा के सिर में दर्द हो रहा था। फिर पापा ने कहा कि तुम इसे क्यों मार रही हो। फिर मम्मी ने रैपिड मारा। फिर मम्मी ने कहा मैं इसे समझा रही हूँ, इसे समझाना पड़ेगा। किसके रैपिड मारा आपके? हाँ नहीं, पापा के मारा। फिर पापा आए, पापा ने मम्मी का थोड़ा मारा पीछे से, मम्मी का खून निकल गया बहुत सारा। और चाकू से मम्मी का गला और मुंह काट दिया दोनों, और हथौड़े से दांत तोड़ दिए आपके सामने। हाँ फिर पापा ने 3-4 बार और मारा। मैं कहता था पापा प्लीज छोड़ दो मम्मी को, कहते चुप रहे मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। फिर हम अभी पुलिस स्टेशन आए थे अभी 8 बजे। कौन कौन? मैं और पापा बस, खुद ही। हाँ, और पापा ने मम्मी को बेरहमी से मारा, मम्मी को कंबल में ढक दिया। उधर एसपी सिटी नित भटनागर ने मीडिया को यह बताया। थाना कंकड़खेड़ा में ये सूचना आई है, एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करके थाने पे आने की बात प्रकाश में आई है। उसके द्वारा बताया गया कि कोविड के दौरान उसका कारोबार समाप्त हो गया था, इसी वजह से घर में कल्ले रहती थी। प्रथम दृष्टया यही बात उसने बताई है। हमारी फील्ड यूनिट, हमारी वैज्ञानिक टीम मौके पर है। हथौड़ी से सर पे प्रहार करके अपनी पत्नी की हत्या करी है उस व्यक्ति ने, और उसके बाद में घर में रखी छुरी से गला रहता है। विभत्स घटना है। विवेचना के क्रम में जो है और तथ्यों का उद्घाटन होगा। जो प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। हमारी फील्ड यूनिट और मौके पर जांच कर रही है, जल्दी से जल्दी इसमें अभी पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।